हेलो बेटा जी केमिस्ट्री। सो एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, कुछ क्वेश्चंस देखने हैं हमको। एंड अभी हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल्स। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, इजी क्वेश्चन आता है। मैं आपको सिखा दूंगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है आपको, बट उससे पहले आप समझिए कि मेटल कार्बोनल्स इतने खास क्यों होते हैं। जैसे कि आप हेडिंग्स डाल सकते हैं आराम से। आपकी हेडिंग होगी क्या बेटा? आपकी हेडिंग होगी मेटल कार्बोनल्स। ठीक है, अब मेटल कार्बोनल्स के अंदर हमको क्या पढ़ना है? इसका बॉन्डिंग पढ़ना है कि किस तरीके की बॉन्डिंग्स होती हैं। ठीक है ना, सॉरी। तो अब एक चीज़ नोट कीजिए बेटा आप, कि मेटल कार्बोनल्स मेनली नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने वाला है उसमें मेटल के साथ कौन सा लिगेंड इन्वॉल्व होगा बेटा? कार्बोनिल लिगेंड, जो कि हमारा CO, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली हम जैसे देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन कंसिडर FeCO होल फाइव। देखो ये मेटल है और कार्बोनल साथ में अपना कंपाउंड बन गया, इसी को हम बोलते हैं मेटल कार्बोनल। और क्या हो सकता है बेटा? और इट कैन बी CrCO होल फाइव। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेटल और कार्बोनल लिगेंड के बीच में जो कंपाउंड बनते हैं उसको मेटल कार्बोनल्स बोलते हैं। मतलब मेनली यहाँ पे क्या है, मेटल और कार्बोनल लिगेंड के बारे में हमको पढ़ना है। अब होता क्या है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं सिनर्जेनिक बॉन्डिंग। ठीक है, सिनर्जेनिक बॉन्डिंग हम जिसको कहते हैं कि ये होती क्या है, पहले सबसे पहले बात समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है और ये किस तरीके से होती है हमारे मेटल कार्बोनल्स के अंदर। अब नॉर्मली होता क्या है बेटा, सपोज हमारे पास मेटल का ये मेटल है हमारे पास, इस मेटल के पास इसके कुछ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बेटा? जब कार्बोनिल लिगेंड इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आएगा, देखिए इसके पास एक लोन पेयर ओपी होता है। तो ये क्या करेगा, ये जब कार्बोनिल, ये देखिए ये कौन सा ऑर्बिटल हमने बनाया है, दिस इज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ठीक है, ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल है हमारा। ठीक, और ये कौन सा ऑर्बिटल है हमारा, दिस इज अ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो जब मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर कार्बोनिल अपने बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से लोन पेयर क्या करता है बेटा, डोनेट करता है। ठीक है, क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। तो जो हमारा मेटल होता है और कार्बोनिल होता है, ऑब्वियसली बात है मेटल और कार्बोनिल के बीच में एक बॉन्ड बनने वाला है। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि मेटल है और इस तरीके से एक बॉन्ड बनने वाला है, इस तरीके से। तो जब कार्बोनिल लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है, मतलब कि इसके बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में डोनेट करता है, तो ये जो बॉन्ड बनता है बेटा, ये बॉन्ड बनता है, इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनता है बेटा, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ CO इज बिंग डोनेटेड टू द एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो फिर इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये मेटल का ये एम्प्टी वैकेंट डी ऑर्बिटल था, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है हमारे मेटल का। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से दिखा सकते हैं कि हमारा जो एक कार्बोनिल लिगेंड है, इसके ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन का कर दिया बेटा, डोनेट कर दिए, तो इन्होंने क्या बेटा बना, इस तरीके से देखो एक बॉन्ड बना इनके बीच में, ये इस तरीके से आप दिखा देना है ना, और ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड बना बेटा, सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला वाला टाइप का जो बॉन्ड होता है वो इस तरीके का बॉन्ड होता है। अब होता क्या है बेटा, अब होता ये है कि दैट मेटल और कार्बोनिल के बीच में एक हमारा सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। क्या बन चुका बेटा, सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब ये तो बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, दैट सिग्मा बॉन्ड तो बनता है, चलो क्या इसमें क्या ही हो रहा है। बट एक चीज़ आप याद रखेंगे कि यहाँ पे एक और स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग आप कह सकते हैं, काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग, नॉट एग्जैक्टली बैक बॉन्डिंग।
उसमें क्या होता है दैट मेटल है, ठीक है। अब मेटल के पास भी उसके कुछ डी ऑर्बिटल्स होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, हाँ या ना, होंगे ना बेटा, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे होंगे कुछ ना कुछ। और हमारे जो कार्बोनिल लिगेंड, देखो ये सिग्मा बॉन्ड में वैसे का वैसे बना रहा हूँ, एक कार्बोनिल लिगेंड बना रहा हूँ मैं, तो इसके पास एक ऑर्बिटल भी होगा यहाँ पे इस तरीके का, जो कि नेचर में कैसा होगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए बेटा आपको तो पता है दो सेट ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कौन सा बेटा, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। वैसे इस कार्बन के पास इस पूरे कार्बोनिल का एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी होगा, तो मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कंसिडर कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि अब जो पहले वाले केस में कार्बोनिल मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, अब मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बोनिल लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये इसके अंदर डोनेट करना स्टार्ट कर रहा था, देखो बेटा यहाँ पे की क्या हो रहा बेटा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, कौन सा बॉन्ड बना बेटा, पाई बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड बना बेटा, ये बना सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके की बोथ द वे ऑफ बॉन्डिंग जो है, मतलब कि कार्बन से मेटल की तरफ और मेटल से कार्बन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करके जो बॉन्डिंग हो रही है, इसी को हम बोलते हैं बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक। अब एडवांटेज क्या है सिनर्जिक बॉन्डिंग के, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले तो ये सिर्फ एक सिंगल यहाँ पे एक बॉन्ड था, बट अब क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड बनने वाला है, पाई बॉन्ड। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो मेटल कार्बोनल्स हैं ये हाईली स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक। बट इसके एग्जाम में आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, बट आपको और कुछ एग्जाम्पल आएगा इससे, रिलेटिव एग्जाम्पल या फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट आएगा, और वो किस तरीके से आएगा अभी हम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कार्बोनिल लिगेंड का यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा, यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर है समवेयर नियर टू इक्वल टू 3, 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। अब हम सब जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बात समझना बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एन बी माइनस एन ए, वेयर एन बी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड वेयर एन ए इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अगर आप अगर यहाँ पे इस केस में अगर अच्छे से देखें बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के डी ऑर्बिटल्स में से, वो कहाँ डोनेट किए जा रहे हैं बेटा, वो डोनेट किए जा रहे हैं कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। तो मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इंक्रीज होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर इंक्रीज होगा, तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है बेटा ये क्या होगा बेटा, ये डिक्रीज होगा। इतना तो मैं सबको आता ही होगा, है ना, कि अगर एन ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 से इसका कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सिंपल एग्जांपल आते हैं, सपोज मैं मानता हूँ कि एक मेटल है, इसके पास कुछ एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कुछ वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों ने मेटल कार्बोनिल बनाया। अगर एक्स की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाई, मतलब कि जिस मेटल के पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसकी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ज़्यादा होती है, अगर उसकी टेंडेंसी टू डोनेट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा उस पर्टिकुलर कार्बोनिल के केस में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में कॉम्प्लेक्स देते हैं, बोलते हैं कि कार्बोनिल लिगेंड के बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए आप, या फिर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए। तो आपको बस यही देखना है कि कहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा है, जहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा वहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस रिलेशन के नीचे अपने लिखेंगे एक तरीके से कि एज अ रिजल्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल कमिंग इनटू एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लिगेंड ब्रैकेट में CO डिक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ लिगेंड ब्रैकेट में CO इंक्रीजेस। ये चीज़ इंग्लिश में बोल दी मैंने, ठीक है। तो यही हमारे मेटल कार्बोनिल हमारे सिलेबस में बस इतना ही है, हमको बस बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करना है, अदरवाइज मेटल कार्बोनिल इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक, अगर आप एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो बहुत ह्यूज टॉपिक है, ठीक है। नाउ अब आपको मैं दो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एक टर्म होता है के स्टेबिलिटी और एक टर्म होता है के इनस्टेबिलिटी, ठीक है। दो टर्म है हमारे पास, एक होता है बेटा क्या, के स्टेबिलिटी,
और के इनस्टेबिलिटी, ठीक है, दो टर्म है हमारे पास। अब देखिए, एक कॉम्प्लेक्स जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसकी के स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो आपको बस पॉइंट लिखना है कि हायर द वैल्यू ऑफ के स्टेबिलिटी मोर स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स, एंड लोअर द वैल्यू ऑफ के इनस्टेबिलिटी मोर स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स। मतलब एग्जाम में अगर सपोज आपको ऐसा आ सकता है कि सपोज चार कॉम्प्लेक्स दे दे वो, और यहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड वैल्यू दे दे आपको, और बोले कि कंपेयर करो कि किसकी वैल्यू क्या है। तो आप सिंपली क्या करोगे, पहले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो और उसके अकॉर्डिंग उसको एक गेस करके आपको के स्टेबिलिटी की वैल्यू दे देनी है। ठीक है, याद रखेंगे कि मोर द वैल्यू ऑफ के स्टेबिलिटी हायर स्टेबिलिटी विल बी द कॉम्प्लेक्स, एंड लोअर द वैल्यू ऑफ के इनस्टेबिलिटी मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ आपको याद रखने, दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको हेडिंग डालनी है दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब इसके बाद फिर एग्जाम्पल भी करेंगे साथ साथ इसके। देखिए, अब फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहला है आपका साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नाउ अब जो स्टेबिलिटी होती है बेटा, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज आपको कोई पूछता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करो, देखिए मैं आपको फॉलोइंग एनायंस देता हूँ, कटायंस देता हूँ, सॉरी, Na+2, CO+2, Fe+2 और Mn+2। तो अब साइज इसका छोटा, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी फॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हमने एक और पढ़ा भी था पहले भी कि चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आटम। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि दैट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। एंड आपको ये दो चीज़ें अच्छे से याद रखनी है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, चार्ज बाय साइज के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज, ये पहले भी हम देख चुके हैं, सपोज हमारे पास FeCN6 कॉम्प्लेक्स है, 4 नेगेटिव, और एक कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3 नेगेटिव। ठीक है, तो इसके देखो, इसका +3 स्टेट है, इसका +2 स्टेट है, तो जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है ना। अब उसके बाद है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड में स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड हम पहले भी कवर कर चुके, तो आप लोग लिख देना, सेकंड लिख देना नेचर ऑफ लिगेंड, उसमें पहला पॉइंट होगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज कम्पेयर टू वीक फील्ड लिगेंड, ये पहले भी कर चुके हैं। एंड साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड, सेकेंड फैक्टर है हमारा साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। ठीक है, नाउ आपको पहले पॉइंट लिख लीजिए, हायर इज द चार्ज एंड स्मॉलर इज द साइज, मोर विल बी द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड मोर विल स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप, मतलब यहाँ पे देखना होता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब कि इसका साइज छोटा है, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए हमारी। ठीक है, ओके, जैसे कि आप देखिए, अब जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, Fe F6-3 और ये है हमारा FeCl6-3। अब देखो यहाँ पे भी ये +3 है, यहाँ पे भी +3 है, बट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देखिए, चार्ज छोटा, देखो फ्लोरीन पे भी -1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे भी -1, पर साइज छोटा होता है किसका, फ्लोरीन का। ठीक है, और साइज छोटा होना चाहिए लिगेंड का, और चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, जिससे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा, तो Fe6 किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि F की इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट ना लगा लेना, गलत हो जाओगे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, Fe F6 3 नेगेटिव, या फिर
Fe(C2O4) होल थ्राइस थ्री नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे लिगेंड फ्लोरीन है जिसपे -1 चार्ज होता है, यहाँ पे लिगेंड ऑक्सलेट आयन है जिसपे -2 चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर चार्ज ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो जिस लिगेंड पे चार्ज ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उस कॉम्प्लेक्स की। ठीक है ना, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दोज लिगेंड विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम एग्जाम्पल कार्बोनिल आर एक्सेप्शनली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें Fe(CN)4 टू नेगेटिव की बात करें, और हम बात करें Fe(CO)4+2। अब आप देख सकते हैं कार्बोनिल इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू साइनाइड, तो वैसे भी ऑर्डर यही आ जाएगा। एंड एक और यहाँ पे हमको मेटल कार्बोनिल है, एक तरीके से मेटल कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है, तो हमको यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग भी देखने मिलेगी, इसी वजह से इफेक्ट ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, चिलेशन। ठीक है, ये है हमारा चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट ऐसे लिगेंड जो रिंग्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल लिखना है, पहले लाइन लिखिए कि दोज लिगेंड विच कैन फॉर्म 5 or 6 मेंबर रिंग विथ सेंट्रल मेटल आटम आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्टेबल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ Fe(CN)6 3- की बात करूँ, और मैं आपसे बात करूँ Fe(C2O4)3 3-, देखो यहाँ पे भी Fe+3, यहाँ पे भी Fe+3, यहाँ पे आप देखो लिगेंड साइनाइड है, यहाँ पे लिगेंड है हमारा C2O4। अब एक बात समझेंगे कि CN ज़्यादा स्ट्रांग होता है लिगेंड एज कम्पेयर टू C2O4, बट जो C2O4 होता है वो चिलेशन करता है। कैसे चिलेशन करता है, ये इस तरीके से देखो, इस तरीके से हमारा ये लिगेंड होता है O-, यहाँ पे मेटल, तो देखो इस तरीके से देखो ये क्या रिंग बना रहा है, एक रिंग बना रहा है, तो इसी रिंग बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं चिलेशन, और जो लिगेंड रिंग बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखेंगे कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। रीज़न भी आप लिखेंगे दैट ये क्या है बेटा, एक चिलेटिंग लिगेंड है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ चिलेशन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे 41 ईयर से, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मैं वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा, आप एक साथ मेरे साथ साथ उसको देखते चलें, तो आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री।